दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में रुके मुफ्त टेस्ट। केजरीवाल सरकार ने दिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान का सिलसिला लगातार जारी है। केजरीवाल सरकार आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालकर बिजली, पानी और स्वास्थ्य से जुड़े बेसिक कामकाज में भी अड़ंगा डाला जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं। दरअसल बीते मंगलवार को दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के सभी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर CDMO के साथ अहम बैठक की थी। बैठक में बताया गया कि फरवरी में ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, मगर मुफ्त टेस्ट होते रहे, वरना गरीब लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चुनी हुई सरकार के कामकाज को ठप करने का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा सदन में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से VK सक्सेना दिल्ली के LG बने हैं, तब से दिल्ली के अंदर ढेर सारे रूटीन के काम बंद होते जा रहे हैं। इन्होंने चलती हुई बस मार्शल स्कीम बंद कर दी। ऐसे एक नहीं बल्कि कई कामों को बंद कर दिया गया। इससे पहले वाले LG हमें नए काम नहीं करने देते थे। हम कहते थे कि हम दिल्ली में CCTV कैमरे लगाएंगे, वो नहीं लगाने देते थे। केजरीवाल ने कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए बोलते थे तो वो कहते थे कि नहीं बनाने देंगे, लेकिन दिल्ली में दवा, पानी, टेस्ट की पूरी व्यवस्था को उन्होंने नहीं रोका। अब पिछले 2 सालों से दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं को बंद किया जा रहा है, जबकि ये लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। अब ये ट्रेंड बन गया है। भाजपा वाले पहले LG से स्कीमों को बंद करवाते हैं, फिर हमें गाली देते हैं कि केजरीवाल से चल नहीं रहा है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।